आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है, जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है। आना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया, ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना। पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगल आ रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगल रहा है करना। अभी हमने हाइब्रिड कर लिया, तो उसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। होती है, देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा। नहीं करते तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर ये चैंपियन ट्रॉफी हो, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है। तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की। कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए कि $3 billion जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही, तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में? दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, क्योंकि पहले भारत फिर अफगानिस्तान अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए इनकार का सोच रहे हैं दोनों क्रिकेट बोर्ड्स। तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो दिखाते हैं, फिर एंड में जाकर इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। मामला जिसको हमने बहुत बड़े स्केल पर देखना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग। रियलिटी ये है जी कि असूली तौर पर इंडिया समेत तमाम क्वालिफाइंग टीमों को पाकिस्तान को ना सिर्फ होस्ट करना है, ना चाहते हुए भी अगर पाकिस्तान ना चाहे तब भी एक मेंबर के तौर पर, एक होस्ट के तौर पर, और सब टीमों को आना भी है क्योंकि ये आईसीसी के उसमें ज्यादती नहीं हो जाएगी अली पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सबको होस्ट भी कर रहा है, पाकिस्तान में हालात भी ठीक हैं, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को कोई थ्रेट नहीं है, बट इंडिया अपने आप को थ्रेट समझ ले, तो हाइब्रिड की बातें तो आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से, बट ज्यादती नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये कोई कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। जहां मोहसिन नकवी और जयेश ये सुना जा रहा है कि 20 तारीख को वन ऑन वन भी वो मीटिंग करेंगे जहां चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टिसिपेशन की बात होगी, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। ना पाकिस्तान के मीडिया के बोलने से कुछ होगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी, फिर भारत पाकिस्तान की टीम गई थी। क्या आपको लगता नहीं कि आगे भारत ने भी दो आईसीसी इवेंट होस्ट करने हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो अपनी टर्म कंडीशंस या कोई, देखें खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ अगर हालात ठीक ना होते तो और बात थी, लेकिन अब हालात बेहतर हैं, टीमें आ रही हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारी अप्रोच करनी चाहिए? क्योंकि अगर अभी हमने हाइब्रिड कर लिया, तो उसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। देखिए इट इज नॉट द प्रॉब्लम कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 billion जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। होती है, देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते, आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका, कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। यहां पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इनवाइट करने का ख्वाहिश मत है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये इंडियन मीडिया ने गैर जरूरी तौर पर बादल बनाए हैं, और ये बरसने वाले बादल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से दूर जाती जा रही है, एक दर एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान
आने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। अफगानिस्तान और इंडिया के बाद अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे। अब पीसीबी ऑफिशियल्स ने बात करना शुरू कर दिया है, जब पता चला गया जी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका कसूरवार भी पीसीबी ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बनाना शुरू कर दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सियासत कर रही है, बीसीसीआई जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, और एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान टीमों को जो है वो अपने अपनी बातों में लगाकर जो है वो आप जो है वो पाकिस्तान से दूर लेके जा रहे हो, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छिनवा रहे हो। पहली तो बात है आप चैंपियंस ट्रॉफी के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हो, आपने इंडिया से पूछा नहीं है। और भाई कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो इंडिया के बगैर चलता है? आईसीसी करवाता है टूर्नामेंट, पीछे से पैसे बीसीसीआई देता है, वो बीसीसीआई का टूर्नामेंट हुआ ये बेशक समझ लो। वो मीर बोर्ड है, वो रिच बोर्ड है, उनके पास पैसा है और आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब इंडिया क्या करे, इंडिया ने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भाईजान जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है कि बांग्लादेश नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने। और बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने ये बात बताई थी कि हम टेस्ट सीरीज खेलने, बायलैटरल सीरीज खेलने पाकिस्तान जरूर आएंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी के मसले हैं। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई, दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में? अब ना चैंपियंस ट्रॉफी पूरे की पूरी यूएई चली जाएगी, बैठ के ना उधर फिर तूतू बाजा बजाते रहना क्या साथ इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान इन टीमों में बोल दिया, इन टीमों ने भी बोल दिया क्या सर हम पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएंगे, इट्स अ क्लियर कट। तो देख लो भाई बड़ा गर्क हो गया, अब बैठ के ना बस अपने मुंह पे हाथ रख ले और बैठ जाओ। ये चैंपियंस ट्रॉफी काफी दूर है लेकिन मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जाहिर सी बात है हम काफी संजीदा हैं, हमसे मुराद बोर्ड है या पाकिस्तान जाहिर सी बात है मेजबान है, तो इसमें रोजाना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए? लेकिन सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी कमेटी वो आईसीसी वाले भी होके गए थे, सब चीजों का जायजा वो लेके गए थे, कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ, आईसीसी ने जब शेड्यूल कंफर्म कर लिया ना दैट मींस दे हैव द कंफर्मेशन कि पाकिस्तान में ये सारे मैचेस पॉसिबल है। अगर वो अपनी फ्री विल के तौर पे अपने जो है ना अना के मसले को बना के आईसीसी ने गो अहेड दे दिया कि आप जाएंगे ये सारी टीमें, भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, टॉप 8 टीम्स खेलने आ रही है, हम मेजबान है, हम उसमें शामिल है, ठीक है, किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है, बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना, पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो जो चीज ऐसे कोई जो है ना गंदे पॉइंट मारना, बिलो द बेल्ट खेलना, ये तो उनका मशगला रहा है करना। आप तो इंडियन मीडिया को तो क्वाइट फ्रेंकली जो मेरा फॉर्मूला है मैं उनको जिस हद तक इग्नोर कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और ऐसी उनकी अफवाहों को फजूल बातों को इनको अपने दिमाग पे हावी करना या उनको जो है ना ज्यादा बढ़ा चढ़ा। वसीम अकरम भी बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार आप अपने सियासी मामलों को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना ये थोड़ा चेंज कर दो, क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे उसमें। यहां पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा कि अभी आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो रूट है ना ये चेंज करने वाली है, ट्रैक जो है उसका जो है वो यूएई की तरफ होने वाला। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर ये बहुत बड़ी न्यूज है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से चेंज होकर यूएई की तरफ जाने वाली है। बहुत सारे देश जो है अंडरग्राउंड पीछे पर्दे के पीछे, सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान नहीं, दो तीन देश और सामने आए हैं, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं, जिसमें बांग्लादेश का भी नाम है। नहीं करता तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाह रहा कि वहां पर यह चैंपियन ट्रॉफी हो, और ऑस्ट्रेलिया का भी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है अब हिस्सा आ चुका है। तो उम्मीद यही है कि भैया हमें सेफ्टी चाहिए टीम्स की, लोगों की, ऑडियंस की, फैंस की, बाकी घंटा फर्क नहीं पड़ता कहां पे हो, पाकिस्तान में हो, कहां पे भी हो, हम बस लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि क्रिकेट स्पोर्ट गंदा हो।
जी हाँ फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली जानी है, मगर पहले भारत फिर अफगानिस्तान दोनों ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब खबरें आ रही है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि जो दूसरे दो क्रिकेट बोर्ड हैं जिनमें बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान ना आने का जो है वो ऐलान मुतवक्के है, और उन्होंने भी बाकायदा तौर पर जो ICC है उसको आगाह करने का इरादा जो है वो कर लिया है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 में से 4 क्रिकेट बोर्ड जो है वह पाकिस्तान न जाने का सोच रहे हैं। ऑफिशियली तो अभी तक न BCCI की तरफ से कोई बयान आया, न अफगानिस्तान, न बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया, मगर खबरें ऐसे आ रही हैं अंदर से कि ज़रूर ये क्रिकेट बोर्ड जो है वह पाकिस्तान न जाने का सोच रहे हैं, और ICC को बाकायदा तौर पर जो मीटिंग है उसमें आगाह करेंगे। तो BCCI का जो सीक्रेट प्लान है अगेंस्ट PCB वो 2-3 बोर्ड्स को अब तक मुतमईन करने में कामयाब हो चुका है, और ऐसा लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं बल्कि या तो फिर UAE या फिर श्रीलंका के साथ हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, या फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको कम्प्लीटली UAE भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। तो खबरें ऐसे आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान न जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्या कहना था इस सूरत हाल पर पाकिस्तानी मीडिया का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, कंप्लीट वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मजीद इसी तरह की रिएक्शन वीडियोज़ के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।